तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम कन्वर्जन्स, कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस चैप्टर के। एनसीईआरटी और कंसेप्चुअल हैं इसमें, मिक्स ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताने हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास क्या है, 3 methyl 1 butene, तो 3 methyl 1 butene का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 methyl 1 butene क्या है। ब्यूटीन इसका कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 ईन, 1 पे ईन है मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4। हम नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो कर रहा हूँ मैं। अब 3 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, 3 पे यू विल गेट मिथाइल, दैट्स इट। ओके, बस अब हाइड्रोजन जो कार्बन है उसकी टेट्रावलेंसी कंप्लीट कर दो। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे CH3। ओके, सो दिस इज दी 3 methyl 1 butene और यू कैन से 3 methyl but 1 ईन। ओके, अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, HBr। ओके, कैसे ऐड होगा, ये कौन सा रिएक्शन होगा इसमें कुंतास, कौन सी रिएक्शन होगी? अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, एडिशन एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन विल बी देयर। मैं यहां से HBr इज मेड अप ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड Br नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन किसका, डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड होता है ना ये HBr। H पॉजिटिव आयन एक साइड ऐड हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर और Br नेगेटिव आयन दूसरे कार्बन के ऊपर। H पॉजिटिव आयन विल गोस टू दिस कार्बन एंड Br नेगेटिव आयन विल गो टू this carbon and what will you get, CH3 CH Br CH CH3, this is your product and its naming bhi karni hai aapne, what will be its name, 1 2 3 4, kya bana, 2 3, नो 2 3 नहीं, वेट 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 वेट, 2 bromo 3 methyl butane। ओके, गॉट इट, हेलो, समझ में आया? ये सिंपल थी हाइड्रोजनेशन की नहीं, इसको बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनेशन, क्योंकि आप हाइड्रोजन भी ऐड कर रहे हो और इसमें हैलोजन भी ऐड कर रहे हो, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि ये नहीं गलत है तो कोई गलती नजर आती है इसमें कुंतास? नहीं सर। चलो तो ये बता, जो मैंने समझ जो समझाया वो समझ आ गया? हाँ जी, ठीक। अगर हम सिंपली करें ये विदाउट यूजिंग मैकेनिज्म, क्योंकि कई बार हमें मैकेनिज्म भी देखना पड़ता है, ठीक, तो आपके पास आंसर ये बनेगा। ओके, बट इसमें एक गलती हो गई है। अभी वो गलती क्या है, हमने ये कंसेप्ट ड्यूरिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, बट हम ड्यूरिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे अब। That is rearrangement of carbocation। वो जो गलती है अब आपको पता लगेगी जब हम इसको completely solve करेंगे कि ये reaction होती कैसे है। This is the reactant, ये आपका reactant है। HBr में से ये start कौन करवाता है reaction, H positive ion, H positive ion पहले attack करवाता है double bond के around, ठीक है। जैसे ये H पॉजिटिव आयन कहाँ पे अटैक करवाएगा, दिस विल अटैक दिस कार्बन, ये तो हमने बात ठीक बोली थी। ओके, तो ये H पॉजिटिव आयन अटैक करवाने जा रहा है तो दिस कार्बन, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट CH3, यहाँ पे Br है, ये वाला जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, दिस विल बी दी योर, यहाँ पे Br नहीं है, यहाँ पे कटायन बन गया, दिस इज CH Br then CH3। ओके, दिस यू विल गेट। और अब आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, आपको लग रहा है कि अब जो Br नेगेटिव आयन बचा सॉल्यूशन में, Br नेगेटिव आयन जो बचा CH3 CH पॉजिटिव आयन CH Br, ये वाला जो है Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये कौन से डिग्री का कार्बोकोटाइन है, यहाँ पे जो कार्बोकोटाइन बना इंटरमीडिएट वो कौन से डिग्री वाला है नंदनी, कौन सी डिग्री है इसकी,
टू डिग्री। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन के पास अगर ऑप्शन हो कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, ओके यहाँ पे ब्रोमीन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रोमीन नहीं, यहाँ पे CH3 था, अगर आपके पास ये जो कार्बोकैटायन है इसमें ऑप्शन हो कि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे अब इसके पास कैसे ऑप्शन है 3 डिग्री में कन्वर्ट होने का, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर लूं लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट आता है, ये एच पॉजिटिव आयन, ये जो अगर एच अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कैटायन आएगा लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी मिथाइल, नॉट मिथाइल, दिस इज कॉल्ड एज दी हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन शिफ्ट हुई है फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से हुआ क्या, अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इसकी डिग्री क्या है, 1, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 1, 2, 3, 3 कार्बन, तो हुआ क्या, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। मिथाइल शिफ्ट, ये शिफ्टिंग होती है, ठीक है, व्हेन एवर कार्बोकैटायन इज देयर एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट कार्बोकैटायन कैन इंक्रीज इट्स डिग्री बाय रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, ठीक है, कई बार रीअरेंजमेंट भी होती है, कई बार शिफ्टिंग होती है, ठीक है, जब रीअरेंजमेंट वाला एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी। इसमें क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर, और हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो ये वाला कार्बन तो न्यूट्रल हो जाएगा, दिस कार्बन गेट पॉजिटिव लाइक दिस। अब इस कार्बन के ऊपर ये जो आपके पास कार्बोकैटायन बन गया इसके ऊपर अटैक होगा बी आर नेगेटिव आयन का, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये बनेगा CH2 सी पॉजिटिव CH3 CH3 प्लस। अब बी आर नेगेटिव आयन जब इसके ऊपर अटैक करेगा व्हाट विल यू गेट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू गेट, बी आर CH3 CH3, दिस इज कॉल्ड एज दी 2-2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, बट इफ, ये समझ आया शिफ्ट वाला। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 दिस, ठीक है, यहाँ पे ये पीएच लिखने का मतलब क्या होता है, फिनाइल, पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग लाइक दिस, ठीक है, अब इसको बनाते हैं, इसमें भी आपने HBr ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है दिखा हुआ, इट इज लाइक ये पीएच है एंड इसमें आपने HBr ऐड करना, ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बना ले पहले, इसको कर देते हैं, ये बन गया बेंजीन रिंग लाइक दिस, पर यहाँ पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CH3, सेम मैकेनिज्म वही है, एच पॉजिटिव आयन पहले अटैक करता है, अब एच पॉजिटिव आयन किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, कौन से कार्बन के ऊपर एच पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, वो कैसे पता लगता है कि एच पॉजिटिव आयन के अटैक के बाद, चाहे वो इस कार्बन पे हो चाहे वो इस कार्बन पे हो, अभी मैं बता नहीं रहा कौन से कार्बन पे, जो कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे मान लो अगर एच पॉजिटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, अगर एच पॉजिटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दे तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन बने दैट शुड बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो उसके अकॉर्डिंग अटैक होता है, ठीक है, किसके ऊपर अटैक होना चाहिए, ये लेट अस से दिस इज कार्बन 1 दिस इज कार्बन 2, एच पॉजिटिव आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उससे उल्टे वाले पे, किसके, मैं तभी पूछ रहा हूँ 1 और 2, सर अगर जैसे सर 2 ज्यादा स्टेबल होगा तो मैं पूछ रहा हूँ, तू दिमाग में चला ना कौन सा ए और बी, 1 2 नहीं कर रहा, ए बी ले कर रहा, तो बता ना मेरे को कौन सा ए और बी, ए पे अटैक करेगा एच पॉजिटिव आयन, अगर ए पे अटैक करवा दें, चलो करवा दिया मान लेते हैं, नहीं नहीं बी बी, अब ए पे अटैक करवा के, पहले मैं ए पे अटैक करवाऊंगा, यहाँ पे एच लग गया इसके साथ, ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है ये वाला, ठीक है, बट अगर बी पे अटैक करे, इफ ऑन ए, अब वो बात करते हैं इफ ऑन बी, बी के ऊपर अटैक करवाते हैं,
तो कार्बन, ये देखा उसके साथ बेंजीन, ये हाइड्रोजन है ठीक है, ये कार्बन। अब बी के ऊपर अटैक कर रहा है तो कार्बोकोटाइन यहाँ पे बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन है दिवंशी? दोनों में से कौन सा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकोटाइन की ये वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो बेंजीन रिंग लगी है, इसके साथ ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंसेस होंगी। इस कार्बोकोटायन में क्या हो रहा है, इस कार्बोकोटायन में तीन हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी, इस कार्बन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से दो हाइपर कॉन्जुगेशन होंगी इसकी वजह से। इस कार्बोकोटायन को स्टेबल करने वाले कौन से फैक्टर हैं? पांच हाइपर कॉन्जुगेशन। बट इस कार्बोकोटायन को स्टेबल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? बेंजीन रिंग की रेजोनेंसेस प्लस दो हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको पता है रेजोनेंस वाला इफेक्ट हमेशा जीतता है एज कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपके पास कौन सा एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में दिस विल हैपन दिस विल नॉट, ओके? तो आपके पास पहले ये वाला कार्बोकोटाइन बनेगा जब एच पॉजिटिव आयन अटैक कर देगा ठीक। देन अब इस कार्बोकोटाइन पे अब तो कुछ नहीं करना, अब तो इस कार्बोकोटाइन पे बस ब्रोमीन ही ऐड करना है। अब इस कार्बोकोटाइन के ऊपर बी आर नेगेटिव आयन जब अटैक कर देगा व्हाट विल हैपन? यू विल गेट, इसको फिनाइल लिख रहा हूँ अब मैं, एच यहाँ पे बी आर लग जाएगा, सी एच एच सी एच थ्री ओके। और एक और बात, जैसे मैं यहाँ पे दिखा तो दे रहा हूँ कि एच पॉजिटिव आयन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, बट एक्चुअल में कभी भी अटैक ऐसे नहीं दिखाते, अटैक हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो इसलिए आप अटैक यहाँ पे कैसे दिखाओगे, हालांकि वो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती है बात, इसको ऐसे दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव आयन पे अटैक कर रहे हैं, दिखाते ऐसे हैं एरो से, एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। वो बात अलग है, इसको दिखो, वैसे मैं बोल देता हूँ कि इसके ऊपर अटैक करेगा कि इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे थोड़ा समझना ईजी हो जाता है ओके। एरो ऑलवेज इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे बी आर नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर अटैक कर रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ को एरो दिखाया ठीक है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, व्हाट विल बी दिस प्रोडक्ट? इसको थोड़ा सा आप कट शॉर्ट कर दें, थोड़ा छोटा कर दें, कंप्रेस कर दें, दिस विल बी लाइक, ये बना आपका फिनाइल, उसके ऊपर लगा हुआ सी एच, इसके ऊपर लगा हुआ बी आर, उसके साथ जुड़ा हुआ सी एच टू, उसके साथ आगे जुड़ा हुआ सी एच थ्री। दिस इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स नेम? आपको नेमिंग भी आनी चाहिए साथ साथ में, ये ना हो कि नेमिंग ना हो। नंदनी बोलियो उसका नेम, नंदनी वेट 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 तू मत बोलियो, आयुषी व्हाट इज इट्स नेम? आयुषी मुमताज हाँ जी सर, नेमिंग कर जल्दी। अरे एक मिनट, सर वन ब्रोमो प्रोपेनाइल बेंजीन, प्रोपेनाइल वाय प्रोपेनाइल, वन फिनाइल बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब होती है उसको फिनाइल बोलते हैं। और कितने कार्बन है? तीन, प्रोपेन, वन ब्रोमो वन फिनाइल प्रोपेन ओके। आपने देखो पेपर करनी एक बात है, रिप्रेजेंटेशन होना वो उससे भी बड़ी बात है। पेपर में जब रिप्रेजेंटेशन के दौरान आप मैकेनिज्म समझाओगे साफ साफ, ये तो थोड़ा गंद मच गया ना इसमें ठीक है, पर इसमें भी इतना भी नहीं मचा ठीक है। साफ साफ जब मैकेनिज्म समझाओगे उसको और उसके बाद जब प्रोडक्ट आएगा उसका नेम लिखोगे तो उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसको नेमिंग भी आती है ठीक है, तो इसलिए नेमिंग वगैरह आनी चाहिए आपको, थोड़ा सा नेमिंग से धूल झाड़ो अपनी। प्लस वन की वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, जब मैं बनाऊंगा तो उसमें से नेमिंग वाले रूल भी कर लेना, बट अभी तक इतनी तो आती है आपको, ये तो सिंपल वाली नेमिंग चल रही है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली है भी नहीं। चलो ठीक है, अब ना थर्ड रिएक्शन पे मूव करते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या है, ये आपका इसमें आपने एच बी आर ऐड करना है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब व्हाट इट मींस कि आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, दैट विल बी कार्बोकोटाइन इंटरमीडिएट ओके। तो आप करते हैं इसको भी, आपके पास दिस इज दी ओ सॉरी नॉट बी आर, दिस इज हियर इट इज सी एच थ्री, और इसमें आपने ऐड करना है एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ओके। परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है ठीक है। तो अगर वैसे मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, इसको मैकेनिज्म से करना है, अगर मान लो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता तो क्या होता, फिर आपके पास इसके ऊपर पहले एच पॉजिटिव आयन ने अटैक करना था, एच पॉजिटिव आयन ने अटैक कहाँ पे करना था, इस कार्बन के ऊपर
ओके, और कार्बोकैटायन किसके किधर बनता है, इस कार्बन के ऊपर, ऐसे हो जाता है ठीक है। उसके बाद एच पॉजिटिव आयन अटैक करता और साथ में अब ये जो बना इसके ऊपर बी आर नेगेटिव आयन अटैक कर देता, बी आर नेगेटिव आयन अटैक करके इसके ऊपर जुड़ जाता, देन व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट CH3, यहाँ पे बी आर और लाइक दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे परऑक्साइड ना होता तो ठीक है, ना होता तो, अब है तो, अब इसके पास मैकेनिज्म कौन सा है, मैकेनिज्म होता है कौन सा, फ्री रेडिकल वाला ठीक। अब फ्री रेडिकल वाले से देखते हैं करके, अब इसमें आपके पास होता क्या है, एच बी आर से एच रेडिकल प्लस बी आर रेडिकल निकलता है ओके। चलो इसके मैकेनिज्म में क्या जाना, इसके सीधा वही कर देते हैं क्योंकि उसका एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग पता लगना है, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। मैकेनिज्म आप खुद करके देखना बाद में, मतलब अब आप ये बताओ कहाँ पे ऐड होगा एच और कहाँ पे बी आर, बताओ जी। वैसे एच जो है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, बी आर यहाँ पे ऐड होना चाहिए था अगर परऑक्साइड ना होता तो, परऑक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा होता है, उल्टा मीन्स आपका जो है बी आर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज इट्स नेम, क्या नेम है इसका आयुषी, बताइए जल्दी, आईयूपीएसी नेमिंग कर इसकी, एंटी मार्कोवनिकोव टू, इस पर लिख देना साथ में पेपर में, आप साथ में अगर लिख दो ना कि यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल से हो रहा है, तो उससे आपको उस एग्जामिनर को ये भी पता लग जाता है कि आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल आता है। दिवंशी क्या नेम होगा, हरियव 1 2, नंदनी बोलियो नेम, 1-bromo-2-methylcyclohexane, 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 got it। अब इसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल कैसे लगा, वो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे अकेला सी है, उसके ऊपर सी एच थ्री लगा हुआ है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे ही है। अगर यहाँ पे ये टर्मिनल पे क्या है उसको भी डेजिग्नेट कर दें। अब एच बी आर एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोवनिकोव रूल सेज दैट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये इसने यहाँ पे जाना था और बी आर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाता ठीक है। अब एंटी में क्या होगा फिर, उल्टा एंटी में क्या होगा फिर, ये दिस विल गो टू दिस एंड दिस विल गो टू दिस, तो इसलिए आपके पास ऐसे लगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस पे ज्यादा थे, इस पे ज्यादा थे ना, इस पे तो हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, got it, इसलिए आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें आपने ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, दिमाग लगाओ पहले अपना। अब इन केस ऑफ दिस आप देख पा रहे हो कि इसमें पहले उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू ऐड एच बी आर टू दिस इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, देन यू हैव टू ऐड एन ए आई एंड देन यू विल गेट वाई ओके। तो अब देखें इसमें क्या होगा, अब एच बी आर ऐड करना है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो एच बी आर के केस में आपको पता ही है एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अब एच बी आर इसमें ऐड कर देना है, व्हाट यू विल गेट, एच कहाँ पे ऐड होगा, एच यहाँ पे ऐड होगा एंटी मार्कोवनिकोव, तो एच बी आर, तो एच आपको कहाँ पे ऐड होना चाहिए, एच विल ऐड टू दिस एंड बी आर विल ऐड टू दिस, व्हाट यू विल गेट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ओके। ये आपका एक्स हो गया, दिस इज योर एक्स ठीक। अब इसमें आपने एन ए आई ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ नेम रिएक्शन, ये कहीं पे हम पढ़ते हैं नेम रिएक्शन के केस में, कौन सा रिएक्शन है जी,
सिंपल सी इंजेक्शन है ना ये कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज ए फिंकलस्टीन जो आइडो एल्केन्स को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप ब्रोमो या क्लोरो एल्केन लेते हो, उसको आप NaI की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो, सॉरी एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो विद NaI, ओके। तो अब क्या होता है, इनका जो हैलोजन है वो एक्सचेंज हो जाता है, व्हाट यू विल गेट, CH3 CH2 CH2 I प्लस NaBr विल बी दी बाय प्रोडक्ट, ओके। दिस इज योर प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है, नेमिंग में करेंगे 1, 2, 3 वन आइडो प्रोपेन, ओके। तो आपका एक्स आपके पास क्या था, दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज वन आइडो प्रोपेन, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। CHF3 is less acidic than CHCl3. Explain how. अब हम अगर इसको देखें तो हमें क्या लगता है, CF इसको पहले ड्रॉ करते हैं, C इसके ऊपर तीन F लगे हैं और एक लगा H, तो ये आपका होगा CHF3. C उसके ऊपर H लगा है और साथ में Cl लगे हैं तीन, ये आपका होगा CHCl3. तो लॉजिकली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा छीनेगा, जितना ज़्यादा छीनेगा उतना कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही जल्दी यहाँ से एच पॉजिटिव आयन निकलेगा, तो ज़्यादा एसिडिक तो ये होना चाहिए, इट शुड बी मोर एसिडिक, शुड बी नॉट एक्चुअली, इट शुड बी मोर एसिडिक देन दिस, बट एक्चुअल में तो रिवर्स ही है, कहानी तो उल्टी है, CHF3 जो है वो लेस एसिडिक है CHCl3, हाउ, उसका रीजन छुपा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, और साथ में इनके रिएक्शन होने के बाद, जैसे अगर मैं बात करूं CHF3 जब ये प्रोटॉन छोड़ देगा, आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन व्हाट इट विल गेट, इट विल फॉर्म दिस कार्बन आयन एंड एच पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज्ड, और जब आपका ये वाला CHCl3 जो है ये अपना प्रोटॉन छोड़ देगा, व्हाट विल इट गेट, दिस विल गेट दिस कार्बन आयन एंड एच पॉजिटिव आयन विल बी रिलीज। अब इन दोनों आयन्स में से अगर मैं कहूं दिस आयन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, बट हाउ, उसका रीजन है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 10 3s2 3p5, अगर थर्ड शेल तक पहुंच गए हैं इट मींस उसमें 3d भी होगा बट वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, ठीक। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हीलियम 2 2s2 2p5, बट 2d नाम की तो कोई चीज नहीं होती, ठीक। मतलब जो ये वाला अनायन है अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये रहा लोन पेयर जो उसके ऊपर आया है Cl Cl Cl, इस Cl के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हैं, कौन कौन से, डी के एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हैं, वो जो डी के एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो कार्बन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करवा सकते हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करवा सकते हैं इधर को, सिमिलरली इस क्लोरीन के भी जो ऑर्बिटल हैं वो इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवा सकते हैं, ये बस फर्क यही है, ये एम्प्टी है, ये फुली फिल्ड है, तो ये भी तो ऐसे होता नहीं था, हम करते थे नहीं था, ये अगर फुली फिल्ड है ये एम्प्टी है तो इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है ऐसे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत अकोमोडेट कर दिए जाएंगे इसमें, ठीक। तो ये जो तीनों क्लोरीन है ये क्या करते हैं, ये इस नेगेटिव चार्ज को ड्यू, इसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज दी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ये तीनों क्लोरीन बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवा लेते हैं इन केस ऑफ CCl3, बट CF3 में ऐसी बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं होती, ओके। और बैक बॉन्डिंग के कारण ये जो नेगेटिव, अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ना होके इतने रीजन में फैल गया, इतने रीजन में, ओके, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल बी स्कैटर्ड, अगर स्कैटर्ड है तो होगा क्या, उससे एडवांटेज ही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी,
क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा स्कैटर्ड हो उतना ही जो इंटरमीडिएट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. तो इट मींस दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल एंड हेंस फॉर्म इजिली. सो दैट्स व्हाई ये जो है ये अपना एच पॉजिटिव बहुत इजिली रिलीज करता है, हालांकि सी एच एफ थ्री नहीं कर पाता इतनी इजिली. ओके इसका रीजन भी पढ़ लेते हैं. ड्यू टू स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन सी एच एफ थ्री शुड बी मोर एसिडिक देन सी एच सी एल थ्री बट एक्चुअली रिवर्स इज ट्रू. दिस इज ड्यू टू रीजन दैट सी सी एल थ्री नेगेटिव लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम सी एच सी एल थ्री इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन क्लोरीन बट सी एफ थ्री नेगेटिव लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटोन प्रोटोन फ्रॉम सी एच एफ थ्री इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑन एफ. सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस. ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट विल बी द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन का मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना है क्या होगा. इसमें आपके पास दो स्टेप हैं. देयर आर टू स्टेप्स. सबसे पहले आपके पास ये जो रिएक्टेंट है इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम. ये आपके पास सी एच टू सी एच थ्री. पहले में स्टेप वन में क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके लिखता हूँ मैं. इसमें आप ब्रोमीन को ऐड करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. उसके बाद आपके पास ये जो एक्स बन जाएगा उस एक्स की रिएक्शन आपने करवानी है एन ए पॉजिटिव सी एन नेगेटिव के साथ. देन यू विल गेट वाई. यू हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई. मतलब अल्टीमेटली वाई ये कैलकुलेट करना है. ये ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्या होता है ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे ऐड होती है. हैलोजनेशन रिएक्शन है ये. हैलोजनेशन हैलोजनेशन किस कार्बन के ऊपर होगी. बेंजीन रिंग पे तो होगी नहीं. इसमें जो हैलोजनेशन है बी आर रेडिकल अटैक करेगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा. इस कार्बन के ऊपर कि इस कार्बन के ऊपर. दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन. ठीक है इसका मैकेनिज्म करवाऊं नहीं तो. चलो इसका मैकेनिज्म करते हैं. अब इसमें कंप्लीट मैकेनिज्म करवाऊंगा मैं आपको. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन में क्या होगा जो बी आर टू है वो सनलाइट की वजह से टूट के दो बी आर रेडिकल बनाएगा. ओके ये जो बी आर रेडिकल है ये अब एक और रेडिकल ढूंढ रहा है जो इसके साथ जुड़ के इसको स्टेबल कर दे क्योंकि रेडिकल फॉर्म में ये ज्यादा देर स्टेबल नहीं है. तो यहाँ पे है सी एच. इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख रहा हूँ मैं सी एच टू को. अगर ये बी आर रेडिकल यहाँ से एच रेडिकल अपने में निकाले तो आपके पास कौन सा का रेडिकल बनेगा. यू विल गेट यहाँ पे रेडिकल आएगा. ठीक है क्योंकि उसने यहाँ से एच रेडिकल निकाल दिया तो कार्बन रेडिकल यहाँ पे बचेगा प्लस एच बी आर विल बी द बाई प्रोडक्ट. ओके वो तो एच बी आर बाई प्रोडक्ट होता ही है. बट इसके पास दूसरी ऑप्शन भी है. कौन सी ऑप्शन है. बी आर रेडिकल जो है वो इसके ऊपर अटैक करवा के यहाँ से एच रेडिकल निकाल ले और ये वाला रेडिकल जनरेट हो लाइक दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल और दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल. विच वन आउट ऑफ दीज आर मोर स्टेबल. देवांशी कौन सा स्टेबल है. ये वाला रेडिकल. बोलो ठीक. नंदनी सर सेकंड दिस वन. यस तो बस तो मतलब जब बी आर रेडिकल अटैक करेगा व्हाट विल हैपन. यू विल गेट सी एच रेडिकल सी एच थ्री और एच बी आर विल बी द बाई प्रोडक्ट. तो ये आपके पास बन गया. अब ये वाला रेडिकल क्या करता है. मैं बस मैकेनिज्म एक बार दोबारा करवा रहा हूँ. उसमें वैसे ये मैकेनिज्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इस ये वाला रेडिकल क्या करता है किसी और बी आर टू मॉलिक्यूल के पास जाता है उसमें से बी आर रेडिकल को अपने में लगाता है और एक बी आर रेडिकल नया जनरेट कर देता है जो कि नेक्स्ट रिएक्शन करवाने के लिए रेडी बैठा हुआ है. यहाँ से बी आर रेडिकल और ये अगले किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा और अपना रिएक्शन करवाएगा. मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा था जो स्टेप फर्स्ट स्टेप के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा. दैट विल बी दिस. इसका नेम क्या होगा. वन टू वन ब्रोमो
वन फिनाइल इथेन, दिस विल बी इट्स नेम. ओके, उसके बाद अब तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा. उसके बाद अभी इसके साथ और भी रिएक्शन होनी है. कौन सी रिएक्शन होनी है? पीएच के ऊपर ये बीआर लगा हुआ है, पीएच पीएचसी. अब इसमें आपने ऐड किया हुआ सेकंड स्टेप में एनएसीएन, सेकंड स्टेप में एनएसीएन ही ऐड किया हुआ ना, देखो यहाँ पे. ठीक, एनएसीएन में से क्या होता है, एनएसीएन जो है इसमें से सीएन नेगेटिव आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो निकलता है. जो सीएन न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से बीआर नेगेटिव निकल जाएगा. तो यहाँ से बीआर नेगेटिव आयन निकल जाएगा, व्हाट यू विल गेट, जो विल गेट पीएच, यहाँ पे सीएन लग जाएगा. ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है. इसका नेम क्या है, इस अल्टीमेट प्रोडक्ट का नेम है 1, 2, 3, 2 फिनाइल प्रॉप पेन. और ये सीएन ग्रुप कौन सा होता है, इसको अगर मैं थोड़ा साफ करके बनाऊं, यहाँ पे ऐसे होता है, ये बनाया हुआ यहाँ पे सी एच, यहाँ पे सी एन लग चुका है, ये थ्री, 1, 2, 3. ठीक है, तो ये क्या बना आपका, 2 फिनाइल, क्योंकि 2 पे ये फिनाइल रिंग लगी है. ओके, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसकी एंडिंग, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका एंडिंग नेम में एंड कैसे करते हैं, नाइट्राइल. 2 फिनाइल, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन, प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज इट्स नेम. दिस विल बी योर अल्टीमेट प्रोडक्ट. राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन सभी रिएक्शन में आपने मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा होगा. अब ये फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे सी एच टू, सी एच थ्री, ये एनओ टू, ये नाइट्रो ग्रुप होगा. और हमें सब पता है बी आर टू को ऐड कर रहे हैं यूवी की प्रेजेंस में, क्या होता है इसमें, हेलोजनेशन हो जाती है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो आपका जो हेलोजन है वो किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, जो साइड चेन में कार्बन है उनके ऊपर अटैक करेगा. और उसमें से भी किस कार्बन के ऊपर अटैक होगा, सबसे पहले जिसका रेडिकल सबसे स्टेबल बनेगा, ये वाला. तो इसमें से एच रेडिकल निकल जाएगा और इसकी जगह बी आर रेडिकल जुड़ जाएगा. अब इसका मैकेनिज्म में दोबारा करूंगा, तो इसका प्रोडक्ट व्हाट विल यू गेट, एनओ टू, यहाँ पे सी एच, ये थ्री, बी आर एड हो जाएगा, दैट्स इट. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, ये आपके पास, इसको मैं, इस रिएक्टेंट को मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ सी एच सी एल एच थ्री. ओके, इसका नेम क्या है वैसे, 2-chloro-propane. और इसमें आपने क्या किया, एन ए को ऐड किया और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में. ये कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास, आप हेलोअल्केन को एन ए की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तो उसके बाद आपके पास बनता क्या है, 2 हेलोअल्केन्स, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, रिएक्शन रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. और उसके बाद क्या होता है, 2 एन ए रिएक्ट करते हैं, आर और आर आपस में जुड़ जाते हैं और एन ए एक्स इज द बाय प्रोडक्ट. कौन सा रिएक्शन था ये नंदनी, कौन सा रिएक्शन है ये, वर्ड्स रिएक्शन, दिस इज वर्ड्स रिएक्शन. ओके, तो दे आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स रिएक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ड्स रिएक्शन. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो सी एच, इसमें 2 एन ए सेंटर में, प्लस यही वाला मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया आपने लाइक दिस, और ये आपके पास निकला प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, और आपका जो 2 एन ए सी एल विल बी दी बाय प्रोडक्ट. इसका नेम क्या है, 1, 2, 3, 4, 2 और इस ये लगा मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2-3 डायमिथाइल
ब्यूटेन. ओके दिस इज 2,3 डायमेथाइल ब्यूटेन, दिस विल बी योर प्रोडक्ट. तो ये आपका हो गया सेकंड कन्वर्जन. उसके बाद ये है थर्ड कन्वर्जन, CH3CH2BrAgCN. CH3CH2Br में आपने ऐड किया AgCN. जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने इसका डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो साइनाइड है दिस इज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, जो दोनों साइड से ये साइनाइड निकलेगा ना यहाँ से, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इससे भी तो इससे भी, बट एट अ टाइम करवाता या तो इससे या तो इससे. ओके एजी जो है, एजीसीएन जो है, ये पर्टिकुलरली कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड इजिली टूटता नहीं है. पहले तब तक ये यहाँ नाइट्रोजन से अटैक करवा के यहाँ से हैलोजन निकाल देता है, उसके बाद ये बॉन्ड टूटता है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2NCN NC+AgBr. ओके तो ये प्रोडक्ट आपके पास, ये क्या कौन सा ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज द आइसोसाइनाइड ग्रुप. ठीक है तो इसमें आपके पास इसका नेम क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप. अब ये आपका नोट्स में कहाँ था, तो मैंने आपको नोट्स करवाए थे, यहाँ पे एक तो होता था सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय साइनो ग्रुप, जिसमें हम साइनाइड ग्रुप को, उसके लिए हम क्या यूज करते थे, KCN इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. बट जब मैंने बोला था कि आइसोसाइनाइड से करनी होती है सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, AgCN इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. तो उस टाइम क्या होता है, नाइट्रोजन साइड से अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है एंड यू विल गेट अल्काइल आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट. नेक्स्ट है, अब आ गया SN1 SN2. इन्होंने बोला है अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी. SN2 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, SN2 वाला एक बार रिवाइज कर लें. जैसे SN2 में क्या होता है, अगर मैं इसका एक रिएक्शन लिखूं, CH3 Br OH- आयन इज गोइंग टू अटैक ऑन कार्बन, देन Br विल बी लिबरेटेड. बट इससे पहले आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट विल बी लाइक, जिसमें Br अभी जा रहा होगा और OH अभी अटैच हो रहा होगा इसके साथ. ओके एंड अल्टीमेटली ये टूट जाता है, यू विल गेट CH3 OH लाइक दिस. ये बन गया आपका मेथेनॉल. ओके दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड. ओके तो दिस इज इट. ठीक, मतलब इसके केस में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, जो ये वाला आपके पास हेलोअल्केन लेते हो, कि एक तो इसके ऊपर बैक अटैक पॉसिबल हो पाए. वो कब पॉसिबल होता है, जब कार्बन के ऊपर यहाँ पे लेस बल्कि ग्रुप लगे हों. ये तो हेलोजन लगा है, ये वाले ग्रुप जो है वो लेस बल्कि हों, क्योंकि तभी वो अटैक कर पाएगा, अदरवाइज अटैक नहीं हो पाएगा अगर ये लेस बल्कि हैं. ठीक है, दूसरा आपको वो तो कॉमन सा ही पॉइंट है कि CX बॉन्ड जितनी जल्दी टूट पाए. CX बॉन्ड जल्दी तक कब टूट पाता है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी टूटता है. ठीक है, उसके बाद कार्बन जो ब्रोमीन का बॉन्ड है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक, कार्बन क्लोरीन का और डिफिकल्ट है, कार्बन क्लोरीन का सबसे डिफिकल्ट है तोड़ना बॉन्ड. तो इट मींस अगर आपके पास आयोडोअल्केन हो दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव देन कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रोमोअल्केन, एंड सिमिलरली ब्रोमोअल्केन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोअल्केन अगर आपके पास ये अल्काइल ग्रुप सेम हो, एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपके पास कौन कौन से हैं. ये आपका क्लोरोमिथाइल क्लोरोब्रोमाइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. तो इसके केस में इनका स्ट्रक्चर बना के देखें, ये होगा, ये स्ट्रक्चर है इसका. अगला वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला ये है, मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ये है. ओके उससे अगला आपके पास दो साइड H लगा है, तीसरी साइड CH3 लगा है, और उसके उससे अगला जो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है इसमें क्या है, एक जगह H लगा है, CH3 CH3 Cl. SN2 में लेस हिंड्रेंस चाहिए ना बैक अटैक के लिए, तो ये तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा. और दूसरे नंबर पे आएगा ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें भी हिंड्रेंस है, इन दोनों में हिंड्रेंस बहुत कम है, क्योंकि इससे कम तो हिंड्रेंस हो भी नहीं सकती, H तो लगना ही लगना है ना. ठीक है,
और इन दोनों में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसका वीक होगा? कार्बन और ब्रोमीन का। तो अल्टीमेटली सबसे रिएक्टिव कौन होगा? कार्बन, ये वाला मिथाइल ब्रोमाइड। तो रिएक्टिविटी में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? दिस। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दिस। तीसरे नंबर पे कौन आता है? दिस। एंड चौथे नंबर पे कौन आता है? ओके, नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है फॉर दी SN1 रिएक्शन। अब SN1 की बात हो रही है, SN1 में क्या मैकेनिज्म था उसको भी एक बार जनरली डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास इसके साथ 3 R लगे हैं और ये हैलोजन है, ठीक। इसके केस में क्या होता है, इसमें स्टेप 1 में आपके पास ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टूटेगा ये बॉन्ड एंड यू विल गेट R3C कैटायन प्लस X नेगेटिव आयन विल बी लिबरेटेड। उसके बाद ये वाला जो कार्बोकैटायन बन जाता है जिसके ऊपर 3 R है, इसके ऊपर जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो आपके अटैक कर देता है, ओके, एंड दैट विल बी लाइक। तो इसमें अल्टीमेटली आपका कार्बोकैटायन जो है वो इंटरमीडिएट बनता है। तो ये कितना स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेप 1 फास्ट होगा। जितना ये स्टेप 1 फास्ट होगा उतना ही रिएक्शन, उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसके केस में आपने ये देखना है कि इन सभी में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस में बनेगा। और दूसरा वो वाला फैक्टर कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक कौन सा होता है, वो तो वही है कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। तो रिएक्टिविटी आइडो एल्केन्स की सबसे ज्यादा, क्लोरो एल्केन्स की सबसे कम, ओके। तो इसके केस में अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की, तो इसमें इसमें और इसमें, यहां से यहां कार्बोकैटायन बनेगा ना, तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? 3 degree 3 degree 3 degree। इसमें कार्बोकैटायन बनेगा 2 degree, ठीक है। तो वो तो पक्का है कि इन तीनों में से ही पहले नंबर पे कोई आएगा रिएक्टिविटी में। और सबसे इजीली बॉन्ड किसका टूटेगा? कार्बन आयोडीन का। तो इट मींस पहले नंबर पे रिएक्टिविटी इसकी, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे रिएक्टिविटी इसकी, और ये इसका जो कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल था इसलिए चौथे नंबर पे रिएक्टिविटी इसकी। गॉट इट? मतलब देखते टाइम आपने ये सबसे पहला फैक्टर देखना है कि कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल किसका बनेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना सबसे इजी किसका, और वो कार्बन आयोडीन का सबसे इजी है, कार्बन ब्रोमीन का उससे डिफिकल्ट, और कार्बन क्लोरीन का सबसे डिफिकल्ट। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट किसका है इसमें, क्योंकि इसमें कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है, ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। द फॉलोइंग रिएक्शन गिव 2 product। इस रिएक्शन में 2 product बनेंगे, आपने उन दोनों प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या आपके पास है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बनाएंगे। CH2 CH, उसके ऊपर Cl, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे भी C6H5। ये जो C6H5 लिखा होता है ये क्या होता है? फिनाइल, और यू कैन से बेंजीन। तो CH2 CH Cl, यहाँ पे बेंजीन बना दो लाइक दिस, और यहाँ पे बेंजीन बना दो, ठीक है। और आपने इनकी रिएक्शन करवानी है विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH और हीट। अल्कोहलिक KOH और हीट में, वैसे KOH जो होता है इससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलता है? OH नेगेटिव आयन। बट इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं होगी क्योंकि अल्कोहलिक KOH, मैंने क्या बोला था, जो एक्वस KOH है वो आपका सब्सटीट्यूशन को प्रमोट करता है, बट अल्कोहलिक KOH जो होता है वो एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसमें आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और साथ में हीट भी इन्वॉल्व है, तो फिर तो पक्का एलिमिनेशन होगी। अल्कोहलिक KOH और हीट, ये दोनों जो है ये कॉम्बिनेशन है फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए। कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इसमें? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। कैसे होती है? मतलब हैलोजन निकलेगा और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और आपके पास इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। तो इट मींस व्हाट विल हैपन, अल्कोहलिक KOH में जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या करता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बनाऊं, ये वाला CH2, इसको ऐसे दिखाता हूं मैं, HH, तो होगा क्या, OH नेगेटिव आयन विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, दिस दीज इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड देयर,
ओके, और इनकी शिफ्टिंग की वजह से इमीडिएटली ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट दिस विल बी योर प्रोडक्ट. इसका नेम क्या बनेगा आपके पास, वन टू, वन टू डायफिनाइल इथीन. ओके, बट इतना सिंपल नहीं है. और इसका वैसे एक और नेम होता है कॉमन नेम, वो भी आपको पता होना चाहिए, स्टिल बीन. दिस इज कॉल्ड एज द स्टिल बीन. इसमें आपके पास आइसोमर्स बन सकते हैं. कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं, ये डबल बॉन्ड है ठीक है. इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन और फिनाइल. इस कार्बन के ऊपर भी दो ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन और फिनाइल ठीक है. इट मीन्स इसकी आपके पास, हालांकि इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं. कौन कौन से, एक तो बन गया ये वाला, लाइक दिस, दूसरा बन गया आपके पास ठीक है. इसको बोलते हैं ट्रांस स्टिलबीन एंड इट इज कॉल्ड एज द सिस स्टिलबीन. ओके, एंड दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस है ट्रांस, क्योंकि सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इस हिंड्रेंस की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रेज कर जाती है. तो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस, मतलब मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस. 78% ये बनता है, 22% ये बनता है. ओके क्लियर. और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, डीहाइड्रो हैलोजनेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास ये भी एक और क्वेश्चन आ गया वैसा ही जैसा अभी किया है. राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. इसमें ये क्या है, ये भी सोडियम इथोक्साइड. इसमें ये जो है इथोक्साइड, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है. और इसमें भी अल्कोहल यूज किया, मतलब एक तरह का अल्कोहलिक KOH वाला इफेक्ट ही है ये, जिसमें KOH ना डाल के Na पॉजिटिव O R डाल दिया. R यहाँ पे क्या है, C2H5. तो इसमें भी एलिमिनेशन ही होनी है. ओके, इट मींस, और वैसे भी याद रखना, जितना ये बल, ये वाला जो है ये न्यूक्लियोफाइल है ना, O नेगेटिव, इसके साथ क्या लगा है, CH2 CH3. जितना ये ज्यादा बल्कि होगा, जितना ये बल्कि होता जाएगा, उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और उतने ही चांसेस बढ़ते जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के. ठीक है, इस पे वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना है कि कौन कौन से फैक्टर एलिमिनेशन फैक्टर एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, और कौन से जो है वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं. ये मैंने वीडियो बनाना है एक, ठीक है. बट अभी तक यही जान लो कि अल्कोहलिक अल्कोहल आ गया एज अ सॉल्वेंट, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो थोड़ा बल्कि है, मतलब ये वही अल्कोहलिक KOH वाला इफेक्ट आ गया. तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे ये जो O नेगेटिव C2H5 प्रोड्यूस होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल लेगा. तीनों में से किसी का भी प्रोटॉन निकालो, तीनों सेम ही है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बनना है इसमें, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, चाहे इसका निकाल लो चाहे प्रोटोन, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका प्रोटोन निकाल लो, प्रोडक्ट तो वही बनना है. ठीक है, मान लो इसने यहाँ से प्रोटोन निकाल लिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिखाऊं. ये इसके प्रोटोन निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ जब जाएंगे तो ये वाला साथ में रिमूव हो जाएगा. व्हाट विल हैपन, C2H5OH. ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट. अगर आपका, अब आप बोलोगे नहीं सर, आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट सेम ही बनना है, यहाँ से निकाल के बताओ हमें, फिर मान लें, चलो यहाँ से सही, ऐसे लिख लो इसको, फिर ये स्त्री, ये स्त्री, ये इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखते हैं ऐसे. और भैया यहाँ पे आपका O नेगेटिव C2H5 है, O नेगेटिव आयन इस प्रोटोन को ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे,
और यहाँ से बियर नेगेटिव आयन निकल जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो ये भी तो वही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये और ये दोनों सेम ही है, इसको रोटेट कर दो तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनना है, वो कौन सा है, वो ये है। चाहे आप इसमें से इसका आप ऐसे बोल दो कि यहाँ से प्रोटोन गया, चाहे आप इसका प्रोटोन निकाल दो, चाहे आप इसका प्रोटोन निकाल दो, प्रोडक्ट यही बनना है। और इसका नेम क्या है, 1, 2, 3। 2 पे क्या लिखा हुआ है, ये मिथाइल, 2-मिथाइल प्रॉप 1-ईन, ठीक है। सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल लगा था, वैसे टोटल कार्बन 3 है मेन चेन में, तो इसलिए प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ गया, सेट बाय प्रॉप 1-ईन, ओके दैट्स इट, क्लियर। तो आपके पास इसमें रिएक्शन इसका प्रोडक्ट क्या है, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख लोगे, CH2 CH3 CH3, टू मिथाइल प्रॉप ईन, 1-ईन लिख दो या ना लिखो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि 1-ईन लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आपके पास, एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम मेटल के साथ कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है, मान लो RX है, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद इथेनॉल। उसके बाद आपने फर्स्ट में तो पहले ये किया, उसके बाद जो भी आपके पास बना वाई उसको आपने इथेनॉल में के साथ ट्रीट करवा दिया, यू विल गेट, जब इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाया यू विल गेट प्रोपेन। यू हैव टू फाइंड अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है ये आपने फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया जाए मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो तो क्या बनता था, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता था, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, ओके। तो इसके केस में RX प्लस MG इज गोइंग टू गिव RMgX। उसके बाद जब इस RMgX को आपने इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाया, जब इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं किसी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को, जैसे इथेनॉल क्या है C2H5OH, तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन जो है उसके साथ जुड़ जाता है और ये सारा का सारा पोर्शन बाकी बचे के साथ, तो मतलब क्या बनेगा, यू विल गेट RH+MgX, और यहाँ पे जो है वो कौन सा लग जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा बच के क्या बना, C2H5O, ओके। तो दिस इज द बाय प्रोडक्ट जो वेस्टेज में जाता है, ये बनता है RH। उन्होंने ये बता दिया RH क्या था, RH है प्रोपेन, मतलब जो R है उसमें कितने कार्बन है, 3, तो इट विल बी CH3 CH2 CH2, और उसके साथ जब H लगा तो ये बन गया प्रोपेन, ओके। तो मतलब यहाँ पे R क्या था, R वाज CH3 CH2 CH2, उसके साथ हेलोजन लगा X, और कौन सा हेलोजन है, मेरे को अभी ये दिमाग में आया नहीं, लिखा ही नहीं, इन्होंने हैलाइड लिखा ही नहीं हुआ, इट मीन्स What will be that halide? That halide will be propyl halide. That is CH3, CH2, CH2X. This is the alkyl halide which they are talking about. ठीक है, इसको आप N propyl halide बोलोगे। N क्यों? क्योंकि ये तीनों कार्बन एक चेन में आ रहे हैं। Now this is the next question. Benzene के ऊपर ये alkyl halide है in the presence of anhydrous AlCl3. तो ये कौन सी condition है? Friedel-Crafts alkylation? Yes. क्यों? क्योंकि alkyl halide in the presence of Lewis acid. ये दोनों मिलके क्या कराएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन इज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, दैट्स इट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, अल्काइल बेंजीन करके देख। अब कैसे करेंगे, अब आपको अगर इसका मैकेनिज्म ना करें तो देखते हैं क्या होता है, बेंजीन है, मैकेनिज्म से करते हैं, चलो ये आपका
स्टेप वन, स्टेप वन में आप क्या करवाते थे, जो आपका एल्काइल हैलाइड पड़ा है, दिस इज द एल्काइल हैलाइड AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से Br नेगेटिव आयन निकाल के अपने में अटैच करवा लेगा. व्हाट विल हैपन, दिस कार्बोकोटाइन विल बी फॉर्म एंड दिस कार्बोकोटाइन नाउ गोइंग टू अटैक ऑन बेंजीन. दिस कार्बोकोटाइन इज गोइंग नाउ टू अटैक ऑन बेंजीन. Okay, like this, and what you will get, ultimately you get a direct product, bata raha hu. This is the product, wrong, why so, first step is right, but this carbocation before attacking the benzene, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है. 1 डिग्री इज नॉट स्टेबल एट ऑल. देन व्हाट कैन इट डू, 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बन तो जाएगा, ये स्टार्टिंग में ये बन जाएगा, डिफिकल्टी से बनेगा बट बनेगा ये. बट इसमें और प्रॉब्लम, इसमें क्या कर सकता है ये, बिफोर अटैकिंग ये कार्बोकैटायन इस फॉर्म में नहीं रहेगा. व्हाट विल हैपन, इस स्टेप से पहले, ये जो सेकेंड स्टेप है ये पहले नहीं होगा. इस स्टेप से पहले क्या होगा, स्टेप टू विल बी रीअरेंजमेंट टू गेट 3 डिग्री कार्बोकैटायन. तो ये जो कार्बोकैटायन आपका, ये वाला कार्बोकैटायन बना था ना, ये पूरा कार्बोरो मिथाइल उठा के ये इसके ऊपर डाल देगा विद इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट विल यू गेट नाउ, और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन विच विल बी मोर स्टेबल. तो ये रीअरेंजमेंट होगी पहले, अब ये जाके अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर. दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू अटैक एंड यू विल गेट इसका नेम क्या है, दिस इज 1 2 3 4 2 मिथाइल फिनाइल ब्यूटेन. ठीक है, दिस विल बी प्रोडक्ट. अगर आपके पास रीअरेंजमेंट ना होती तो क्या प्रोडक्ट बनता, इफ रीअरेंजमेंट वाज नॉट देयर, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज ना होता तो तब आपके पास प्रोडक्ट बनता बेंजीन के ऊपर. बेंजीन के ऊपर व्हाट यू विल ऐड, CH2 CH3 CH3 CH3, तब आपका प्रोडक्ट होता 1 2 3 2 डायमिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन. तब आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनता. ठीक है, बट ये बना क्यों नहीं, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. ये स्टेप से पहले स्टेप, ये जो मैं बोला था डायरेक्ट ये स्टेप होने से पहले बीच में ये एक और स्टेप आएगा, दैट विल बी रीअरेंजमेंट टू गेट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. ओके, इसमें किसी को डाउट कोई मैकेनिज्म में? ओके, नाउ दिस, इसमें भी सेम, आपके पास सबसे पहले स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में इट विल बी लाइक दिस, जो AlCl3 आएगा वो यहाँ से Br नेगेटिव आयन निकाल के ले जाएगा. व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट CH3 CH2 पॉजिटिव. ठीक है, अब वही बात, इस कार्बन को आ गया तरस, इसने बोला ये ले प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में, तो हाइड्रोजन अपने ऊपर रख, मैं अपने ऊपर कार्बोकैटायन बनाऊंगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा भी ज़्यादा स्टेबल, तो 1 डिग्री है, मैं 3 डिग्री हो जाऊंगा. इसको बोलते हैं 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट. दिस शिफ्ट विल हैपन, बट विल यू गेट, यू विल गेट
ओके क्लियर। तो ये क्या है आपके पास, जैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बनेगा ओके, और ये आपका अटैकर बन जाएगा अब स्टेप टू में, इसके ऊपर आपके पास ये है, दिस इज टॉलुवीन, टॉलुवीन में बेंजीन के ऊपर लगा है सी एस थ्री ग्रुप। ये जो सी एस थ्री ग्रुप है ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है ना ड्यू टू इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके पास, ये वाला जो कार्बोकैटायन बन चुका है, दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू अटैक इधर एट ऑर्थो इधर एट पैरा। तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, टॉलुइन के ऊपर पैरा पे लग जाएगा ये वाला कार्बोकैटायन या ऑर्थो पे लग सकता है, ऑर्थो पे दिस विल बी लाइक ठीक। बट ये ऑर्थो पे एक तो ये बल्कि ग्रुप ऊपर से जो अटैक करने आ रहा है वो भी बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे इजीली अटैक करवा नहीं पाएगा ठीक है, तो ऑर्थो बहुत लेस अमाउंट में बनेगा, 5-10% ही बनेगा, मेजरली पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा 90%, 90-95%, दिस विल बी दी मेजर प्रोडक्ट ठीक है। प्रोडक्ट दो तरह के बनेंगे, अगर आपके पास पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होती है तो ये, अगर ऑर्थो पे होती है तो ये। ऑर्थो पैरा क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे लग गया, इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग गया ओके। बट ऑर्थो वाले पे ये भी स्टेरिक हिंडर्ड, ये भी स्टेरिक हिंडर्ड, तो यहाँ पे इजिली अटैक करने नहीं देगा ये वाला एग्जिस्टिंग ग्रुप, इस वाले ये वाला जो आ रहा था कार्बोकैटायन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाने, इजिली अटैक होगा नहीं, इसलिए ये कम बनेगा हमेशा, वो ये वाला जो है वो पैरा को इजिली अटैक कर सकता है इसलिए ये पैरा पे कर देगा, दैट्स इट। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट ओके, इसका यूपीएससी नेम करो खुद।